मेरा तो ये आशीर्वाद है, तेरा जोड़ा भी जल्दी बने उसके साथ के साथ जो तेरे लिए बनाए। तू नहीं जानती मेरी बच्ची कि रानो जी तुम्हारे माँ और बाऊजी और तुम दोनों से कितनी नफरत करती हैं। वो तो तुम दोनों की शक्ल भी नहीं देखना चाहती। शर्मा आ गई। मुझसे इतना दूर क्यों भागती हो? ठीक, मुझे अच्छा नहीं लगता जब तुम मेरे पास आते हो। प्लीज जाओ यहाँ से। तुम्हें दूर जाने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, कैसी लग रही हूँ मैं? यहाँ बहुत सारे लोग हैं, अंदर बात करें। तो अकेले में क्यों लाई हो? कुछ चाहिए बेबी? You are looking beautiful, gorgeous. तुम्हारे चेहरे की चमक चांद की चांदनी की तरह है। कहता है मुझसे प्यार नहीं करता, ये फट्टू तो अभी से लट्टू हो गया मेरे ऊपर। एक छोटा सा काम कर। Sure. मेरी ड्रेस की जिप खुल गई है, प्लीज लगा दो। सांड फिर से यहां आ गया तो? एक मिनट, वो मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड का फोन आ गया, मैं एक सेकंड में आऊं। तुम रहने दो, तुम्हारी मेहंदी है, मैं कर लूंगी। जी नहीं, मेरी वजह से गिरा, मैं उठाऊंगा। छोटा कहाँ गया? छोटे कहाँ है तू? अरे यार, बड़े बजते बजाते चाची के कमरे में आया हूँ। तू इतनी देर से क्या कर रहा था? स्पेशल चोर नहीं हूँ, टाइम तो लगता है ना चोरी करने में। अरे कुलजीत चाचा आ गए थे कमरे में, निकले ही नहीं, इसलिए टाइम लग गया बस। अच्छा ठीक है, तू चली जाए सर, मैं बाय बाय बाय। Thank you.
चोरी करने आया है? क्या चुरा रहा है बोल। अगर इसे बता दिया मेहंदी बदली है तो लोग तो बाद में पीटेंगे, ये पहले पीट देगी। इसका तो एक हाथ ही 10 हड्डी तोड़ देगा मेरी। चोर कहीं का? चोरी पकड़ी गई तो बोलती बंद हो गई ना तेरी, बोलनी तो लगाऊंगी। बोल क्या चुरा रहा था? देखो अपने मोटापे का फायदा मत उठाओ तुम, समझी मोटी? अबे भाई, मोटी किसे बोला? तुम्हें बोला, ऑब्वियसली बात है यहाँ कमरे में कोई और तो है नहीं, समझी तुम मोटी? चोर कहीं का, मुझे मोटी बोला ना तो तेरा मुंह तोड़ दूंगी मैं। मोटी होगी तेरी बीवी। तुम जैसी मोटी के साथ तो मैं शादी करने वाला हूँ नहीं। मेरी बीवी ना हॉट सेक्सी स्लिम होगी, तुम जैसी मोटी नहीं, समझी तो मोटी? शक्ल देखी अपनी, बहुत ज्यादा हैंडसम दिखता हूँ। क्यों आज तक कभी किसी ने तेरी तारीफ नहीं की, जो खुद की तारीफ खुद ही कर रहा है? बड़े वाह, सड़ावा कद्दू है, कद्दू मुंह कड़वा करेला है, सड़ावा केला है, बिना सर्कस का मिला और जो करके चला है। मुझे कद्दू बोला मुझे? हाँ तुझे बोला। मैं कद्दू ना तो तू मिर्ची? अरे हाँ हो गई, बिना आटे की रोटी। अरे फुटबॉल है तू, फुटबॉल बुलडोजर है बुलडोजर, मोटी कहीं की मोटी? ये मंदिर वाली मेहंदी? अरे हाँ भाई वही है, समझी? तभी मैं सोचू इतनी देर से मेरा पीछा क्यों कर रही है। हाँ अब समझा, अकेले में देख के ना दबाना चाहती हो ना मुझे तुम। क्यूट करेला कद्दू बैंगन, कितने क्यूट ही लड़ते हैं, लगता है भगवान ने दोनों को लड़ने के लिए बनाया। थोड़ी देर पहले तो चाची पे लाड टपका रहा था। छी, तू जैसे लड़के ना जवान तो जवान बुड्ढी को भी नहीं छोड़ते हो क्या? और मैं तेरे पीछे पड़ी थी? हाँ। मैं तुझे देख रही थी, तुझे तो मेरे पैर की जूती भी ना देखे। अगर तू तो दुनिया का आखिरी लड़का भी होगा ना, और सुन आज के बाद अगर मुझे मोटी बोला ना तो मुंह तोड़ दूंगी तेरा, शक्ल खराब कर दूंगी तेरी, समझा? लफंडन बदर कहीं का। क्या सनी प्लीज आज मत आना, आज मेरी कजिन तन्नू की मेहंदी है, तो जाने की जरूरत नहीं है। ये भी, ये तो और भी अच्छा दिन है, इसी बहाने तुम्हें भी देख लूंगा और मेहंदी का फंक्शन भी। वैसे भी मुझे भी ट्रेनिंग चाहिए कि नहीं, पर हाँ जो मेरी मेहंदी होगी ना तो मुझे सब कुछ पहले से ही पता होगा। हा? अरे तुम मत आना प्लीज, मैं टेडी बेबी। क्या कुछ गड़बड़ है क्या जो तुम मुझे आने से रोक रही है? गड़बड़ तो तेरे आने से होगी ना सैंडी। मतलब? मेरा मतलब है सैंडी, तू जब भी आता ना मेरी बात ही नहीं सुनता है, तो जानबूझ के मुझे हर्ट करता है ना, कि ताकि मैं तुझे कहीं छोड़ के ना चली जाऊं। सच्ची सच्ची बता, तूने कहीं दूसरी तो नहीं ढूंढ ली है? अरे नहीं बेबी, कोई नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं बेबी डॉल। अच्छा मैं नहीं आ रहा हूँ, ये देख ये गन भी रख दी। ओके अच्छा, देख तू जानती है ना कितना प्यार करता हूँ मैं तुझसे। अच्छा अब तू रो मत, मैं नहीं आ रहा हूँ। ओके हैप्पी? अच्छा चल ठीक है। एक बात और बेबी, अगर मैं नहीं आया तो मेहंदी का फंक्शन और रीति रिवाज कैसे सीखूंगा? मैं तेरे ना पूरे मेहंदी का फंक्शन ना रिकॉर्ड कर लेती हूँ, ठीक है, फिर तू देख लेना। अरे वाह, यू आर सो स्मार्ट। यू नो बेबी, इसीलिए आई लव यू। लव यू टू। अच्छा बेबी फिर से काट दिया। इस सांड से पीछा कैसे छुड़ाएंगे? कुछ तो करेंगे मैम, बट फिलहाल आप मेरी और ऋषि की शादी की सोचो। हाँ ठीक है, मेहंदी वाली आ गई है, तू बाहर जा, मैं कमरे से मेहंदी लेकर आती हूँ, ठीक है? भाई कहाँ है तन्वी? पूरा घर छान मारा मैंने, कैसे लगाओगे उसको मेहंदी? वो देख तन्वी खुद चल के आ रही है मेरे पास, मेरे प्यार में रंगने मेहंदी लगाने। उसके चेहरे से जरा सी खुशी नहीं दिख रही, कहीं ऐसा ना हो कि आप उसको मेहंदी लगाओ वो आपको थप्पड़ लगा दे। थप्पड़ ही सही, कम से कम उसके हाथ मेरे गालों को टच तो करेंगे। प्लीज भाई इतनी चीजी लाइन तो मत ही बोलो, यही लाइन चिपकाते होगे उसे, तभी तन्वी इतना दूर दूर भागती है आपसे। अरे 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 बॉस जोर के पढ़ने वाली है बॉस, कंप्लीट बेटे निकल ले। शगुन वाली मेहंदी बीजी पंडित जी से पवित्र करके लाए, उन्होंने कहा कि जिस लड़की की शादी हो रही है अगर वो अपनी होने वाली बीवी को लगाए तो दोनों हमेशा खुश रहते हैं, साथ रहते हैं जन्मों जन्मों तक। तो बताओ मेरे रंग में रहूंगी? कभी नहीं। तुम चाहो ना चाहो मैं तुम्हें अपना बना लिया, तुम्हें अपने प्यार के रंग में रंग दिया है। तुम जबरदस्ती मुझे मेहंदी नहीं लगा सकते, समझे तुम? मैं लगाऊंगा,
देखो ये एक रस्म है, ये बात सच है कि अगर पंडित जी अपने आशीर्वाद वाली मेहंदी किसी लड़के को दे और वो लड़का वो मेहंदी किसी लड़की को लगा दे तो वो उसके प्यार में रंग जाती है। ये भगवान का आशीर्वाद है, कम से कम इसके साथ तो मजाक मत करो। मेहंदी का रंग नहीं आने दूंगी, नहीं चलने दूंगी। ये मेरे प्यार का रंग है, ये नहीं उतरेगा। मैं इसे उतार के रहूंगी। मेहंदी का रंग प्यार के रंग जैसा होता, बहुत गहरा, बहुत पक्का, बहुत पक्का। किसी ने कहा है कि जिस लड़की के मेहंदी का रंग ना उतरे इसका मतलब यह है कि वो लड़का जो उसे मेहंदी लगाए उसे बहुत प्यार करता है, अपनी जान से ज्यादा। वो एक जन्म के साथी नहीं, जन्मों जन्मों के साथी। किसने कहा ये? मैंने कहा, सही कहा ना? ऋषि पुत्र, ऋषि तुम प्लीज यहां से जाओ, मैं नहीं चाहती कि चाची हम दोनों को एक साथ देख रहे। मन नहीं कर रहा। ऋषि पुत्र, मतलब क्या तुम्हारा मन नहीं कर रहा? प्लीज जाओ यहां से। ठीक है, कह दो कि मैं तुम्हें बस इतना अच्छा लगता हूं। इतना अच्छा? मैं चले जाऊंगा। इतना? तुम मुझे इतने से भी पसंद नहीं हो। मैं दूर जाते हुए देख तुम्हारी आंखें मुझे नहीं ढूंढती। क्यों बर्दाश्त नहीं कर पाती जब मैं तुम्हारी बहन के साथ होता हूं? क्यों चोरी छिपे चले जाते हो देखने कि मैं क्या कर रहा हूं उसके साथ? मुझे उसके साथ देखना दिल नहीं धड़कता, तुम्हें कुछ कुछ नहीं होता? ये सब गलत है तन्वी, झूठ बोलना बंद करो। क्यों तकलीफ दे रही हो अपने आप को और मुझे भी? मैंने देखा है जब मैं तुम्हारी बहन के साथ होता हूँ तुम्हें जलन होती है। ये सब झूठ है। अपने आप से झूठ कहना बंद करो। नहीं। ठीक है, तो मैं ही झूठा हुआ। हो गई। कौन? कुछ नहीं, एंजॉय।
वाह जी वाह, वाह क्या बात है राणो, क्या कमाल का डिजाइन बनाया मेहंदी का। कमाल की आर्टिस्ट हो, मुझे पता ही नहीं था इतनी अच्छी मेहंदी लगा लेती। आंटी जी, जीजू के नाम का भी फर्स्ट लेटर बना दीजिए ना आर, और थोड़ा छुपा के बनाइएगा ताकि जीजू आसानी से ढूंढ ना पाए। मेरा बस चले ना तो ऋषि को ही ना मिलने दूं तुम पित्तियों से। जीजू जीजू चलिए ना, तनु के हाथ में अपना नाम ढूंढिए। क्यों, मेरा नाम कहीं खो गया क्या? जीजू रसम होती है, चलो ना। लगता है बहुत ज्यादा थप्पड़ खा के आए हैं तन्वी से। शकल तो देखो वैसे लटकी हुई है। नहीं क्या बड़बड़ा रहे, कैसे एंजॉय करना। चलिए ना, आओ ना बेटा आओ। चलो ये गेम भी खेल लेते हैं। कहाँ है मेरा नाम? तो यूज करते करते आखिर प्यार हो ही गया तुम्हें मुझसे? जी नहीं, ये सब मैं आपकी बहन को जलाने के लिए कर रहा हूँ। वो देखिए वहां खड़ी है। ऐसे क्या लगता है आपको, जल रही है या नहीं? मुझे क्या पता। पता चल गया, नाम मिल गया। मोहम्मद ने इतना सा लिखा था, मिल गया। प्यार करता हूं तुमसे, मुझसे करता है लेकिन शादी किसी और के साथ कर रहा है। जब तक जब उसी के साथ चिपका रहता है, चिपकता उसके साथ और पीछे पड़ता है मेरे, झूठा। क्या जरूरत थी उसको ऐसे नेकलेस बनाने की, क्या जरूरत थी उसको ऐसे छूने की? चीप, वेरी चीप। मैं क्या पागल हो गई हूँ, इतना क्यों सोच रही हूँ उसके बारे में? कहीं सच में मुझे जलन तो नहीं हो रही? कोई जलन वलन नहीं हो रही मुझे, मुझे क्या हुई जलन? मैंने कहा था मेरा प्लान वर्क कर गया, उसके दिल में मेरे लिए फीलिंग्स है इसीलिए वो जल रही है। हाँ भाई, उसकी नफरत हार रही है, आपका प्यार जीत रहा है। उसको इतना जलस फील कराओ कि खुद वो आके आपसे कह दे कितना ज्यादा प्यार करती है आपसे। हाँ छोटे, सही कहा तूने। यार तनु मुझे पसंद नहीं, वो लड़की अच्छी है। तन्वी को जलाने के लिए बहुत यूज किया मैंने, पता नहीं
बट एनीवेज एक बार तन्वी हाँ कह दे मुझसे प्यार है ना तो तनु की पूरी फैमिली को जाके मैं सॉरी कहूंगा हाथ जोड़कर, उसके बाद तन्वी से शादी भी कर लूंगा। अब समझ में आया प्यार आखिर होता क्या है। अच्छा क्या होता है प्यार? प्यार यार अपना प्यार पाने के लिए हम दुनिया से लड़ जाते हैं। मैं लड़ूंगा, अब तन्वी को पाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, तन्वी भी नहीं। तू देख लेना, पता नहीं यार इसके साथ लगता है कि कुछ पुराना रिश्ता है, कुछ कुछ है, जन्मों का साथ है। भाई कितने बदल गए हो ना आप, सच कहूं तो सुधार गए। मैं बहुत खुश हूं कि आप तन्वी से मिले। लव यू। हमें मिलना ही था। भाई आप क्यों बैठ रहे हो, हम तो उठो, आपका तो हक है ना उसको छुप के देखने का। अरे हाँ मैं कुछ, और तू क्या कर रहा है? चल जा, तुझे देखिए क्या बोलेगी। चल हाँ। मेरी सेटिंग खराब हो गई। चल 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 जा। तन्वी तो तुम्हारे दुपट्टे का पिन, छूना मत, तुम्हारे दुपट्टे का पिन निकल के लग जाएगी तुम्हें। लग गई ना, इधर मैं लगाता हूँ। अरे कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है, घूमो। ऋषि तुम तुमको भी है प्यार, तुमको भी है, तो मुझसे नहीं, अपने आप से दूर भाग रही।